सो हेलो गाइस, वेलकम टू द विज्ञान क्लासेस. सो मायसेल्फ अंशुमान सिंह. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन, इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? वी कैन से सिंपली कैन डिफाइन इट इलेक्ट्रिसिटी कैन लाइक दैट. इलेक्ट्रिसिटी जो आपने सुना होगा कि आपके घर में कैसे कोई भी अप्लायंस है, कोई भी चीज है, तो क्या करते हैं, वर्क करते हैं. मतलब वर्क करने के लिए दे नीड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जरूरी होती है. इलेक्ट्रिसिटी मेनली वी कैन बी से दैट लाइक दैट इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये कैसे कह सकते हैं कि एक एनर्जी है. इसमें बेसिकली होता क्या है कि करंट द इट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक करंट्स. सो इन 10th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू अवर स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. सो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं. फर्स्टली मेनली व्हाट इज करंट. क्यों इलेक्ट्रिसिटी से एक वर्ड आता है, करंट क्या होता है? अच्छा, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या है, तो आप कहेंगे कि करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्जेस. अब बात आती है ये चार्ज क्या होता है, तो चार्ज की पॉइंट आ जाता है. तो चार्ज फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट चार्ज, तो हम लोग आते हैं करंट पे. तो व्हाट इज चार्ज? तो वी कैन से दैट आपने सुना होगा कि चार्ज किसी बॉडी पे होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. ये दो प्रकार की होती है. मगर ये होता क्या है, एक्चुअली में है क्या ये? सो वी कैन से दैट आपने सुना होगा कि सपोज मैंने कहा कि एक सोडियम है. अगर इस सोडियम के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव 11 है. अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, इसका -1 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, Na+. अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने गए, 10 ले. तो मैं बात करूं कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन 11 थे. अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन गए, 10 एंड प्रोटॉन 11. सो डिफिशियंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेस ऑफ वन प्रोटोन शोज द चार्ज ऑन द बॉडी ऑफ सोडियम. सो सोडियम एटम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया. हमने सीखा कि चार्ज आ रहा है, मगर चार्ज है क्या, यही तो जानना है. अभी देखते हैं. अच्छा, अगर क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं तो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर. अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 17 प्रोटॉन 17. अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, Cl-. तो मीन्स इलेक्ट्रॉन 18 एंड प्रोटॉन्स आर स्टिल 17. तो एक्सेस ऑफ किसका क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया. दैट इज एक्सेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट ए चार्ज नेगेटिव ऑन दैट ऑफ क्लोरीन. सो वी व्हाट इज द चार्ज. सो वी कैन से दैट चार्ज इज द, अगर आप इस सब चीजों को देख रहे हो तो आपको सीखने मिल गया होगा, चार्ज इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक एटम से दूसरे एटम के तरफ क्या हो रहा हुआ, एक कोई भी चीज का बॉडी का क्या हो रहा, चार्ज ट्रांसफर. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कभी क्रिएट हो रहे हैं तो क्या क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है. एंड उसी चीज को हम कहते हैं, हमने क्या नया, कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम आज से क्या कहने लगे, चार्ज कहने लगे. ठीक है. सो एक नई क्वांटिटी बना दी जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा कि इसकी इसको डिनोट कैसे करते हैं. तो इट इज डिनोटेड बाई क्यू, और वी कैन से दैट कैपिटल क्यू और स्मॉल लेटर क्यू, नो नथिंग प्रॉब्लम. एंड इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम. तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम. इट इज डिनोटेड बाई सी. किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं किसको, कूलम को. चार्ज इज बेसिकली डिनोटेड बाई क्यू और स्मॉल लेटर क्यू. तो आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और यूनिट कूलम इसकी एसआई यूनिट है. सो देन वी हैव कम टू द पॉइंट ऑफ करंट. व्हाट इज करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ चार्जेस. तो मैंने क्या बोला कि करंट क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं एक रिदमेटिक फॉर्म वे में, तो हम उसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज. यानी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी क्रिएटेड करंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. चार्ज का अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको बोलेंगे करंट. अब इसको बेटर वे में डिफाइन करते हैं. सपोज सो
सो वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट द रेट ऑफ फ्लो चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इन ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सो हमने क्या बोला कि चार्ज करंट क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होने का दर है समय के टाइम के हिसाब से इन ए गिवन क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी करंट क्या होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसके, इट्स तो करंट इज बेसिकली डिफरेंट डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई आई स्मॉल लेटर। तो किससे डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाई स्मॉल आई, और वी कैन से दैट कैपिटल आई, वी कैन डिनोटेड बाई आई। सो करंट इज डिनोटेड बाई आई एंड इट्स एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो किसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। अच्छा मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन में गौर फरमाऊं तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, तो यानी कि अगर मैं इसकी डिफिनोट करता हूं आई यानी कि करंट, तो इक्वल टू चार्जेस पर यूनिट टाइम जो दो, देन द फॉर्मूला विल बिकम्स क्यू अपॉन टी। क्यू मीन्स चार्जेस एंड टाइम। तो अगर फिजिक्स में अगर आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है कि उसका केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है कि करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज द करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इन ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया और ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ओके सो व्हाट इज वन एम्पियर। सो एक वन एम्पियर क्या होता होगा, अगर मैं बात करूं कि वन एम्पियर करंट है तो कितना होगा, तो वन एम्पियर करंट इज इक्वल टू वन कूलम। सो वी वन कैन डिफाइन इट लाइक दैट वन कूलम वन एम्पियर इज द दैट करंट वेयर अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज वन कूलम इन वन सेकेंड। अगर एक एम्पियर करें एक कूलम का चार्ज एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो जो उस समय जो तार में है कंडक्टर में गिवन कंडक्टर में जो करंट हो रहा है उसको एक एम्पियर कहेंगे। मतलब मैंने कहा कि एक कंडक्टर है इसमें एक कूलम एक सेकेंड में जा रहा, एक कूलम एक सेकेंड में, तो जो होगा उसको क्या कहते हैं, उस करंट को उसको कहते हैं वन एम्पियर। अच्छा इतनी आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अवर इज कंडक्टर। सो आप कंडक्टर क्या होता है, सो वी कैन से दैट ए कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस इन विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली। मतलब अगर कंडक्टर वह सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या एक ऐसी चीज जिनसे क्या हो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके, यानी कि करंट आसानी से पास हो सके। बट ये जो डेफिनेशन है ये आपको नहीं लिखनी है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ये डेफिनेशन केवल स्मॉल, आगे चल के हम इस डेफिनेशन को चेंज करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये केवल ध्यान रखना है कि कंडक्टर ये होते हैं। बट इन यू हैव टू डोंट राइट इन दिस डेफिनेशन इन बोर्ड, यू डिडंट गेट एनी वन मार्क ऑल्सो इवन देन। सो आगे मैं बताऊंगा कि क्या डेफिनेशन आपको लिखनी है, मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस करेंगे कंडक्टर में। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर, तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर आप दो सकते हैं विच आर बैड कंडक्टर, यानी कि वो क्या हो सकते हैं बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और दो सब्सटेंसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास आर नोन एज इंसुलेटर्स। ओके अच्छा हमने क्या बोला कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं, इससे पास हो जाती है, इससे चार्जेस पास हो जाते हैं, इससे पास इंसुलेटर से नहीं होते हैं। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली अगर हम क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। नंबर वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी,
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी फॉर्म होती है जिससे क्या होता है चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस या चार्ज मतलब इसमें कुछ चार्जेस के बारे में एक एनर्जी क्रिएट हो सकती है। मगर इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको बता दूं कि मेरे हम लोग के सिलेबस में केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इन 10th स्टैंडर्ड देयर इज ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट मैं बताता हूं अभी आपको दोनों के बारे में। मगर ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये केवल आपको इन 12th स्टैंडर्ड द फर्स्ट यूनिट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको फिजिक्स में पहली यूनिट 12th की में ही आपको मिलेगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसका दूसरा नाम भी आप ऐसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वी कॉल दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बोलू तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जिसमें क्या हो रहा है, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, तो जिसमें चार्जेस आर इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, जिसमें चार्जेस क्या हो, चार्जेस आर रेस्ट, जिसमें क्या हो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, आप ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो ऐसी ऊर्जा जो क्या हो रेस्ट पे हो। अब जरा बात करते हैं कैसे क्या होता है इसके बारे में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। जब आपने देखिए नोटिस किया हो कि आप अभी कभी स्केल लीजिए और व्हेन यू आर रबिंग इन हेयर ड्राइयर, जब आप ड्राइयर पे करते हैं तो ड्राइयर करने के बाद आप कभी कुछ पिंच ऑफ पेपर टेबल पे डाले उनके पास इसको लेके जाए तो द पीसेस ऑफ द पेपर्स आर अट्रैक्टेड टू द स्केल और रूलर ऑफ दैट, तो आपकी क्या होती है आपके रूलर से या स्केल से ये क्या होते हैं रब करने के बाद कागज इससे चिपक जाते हैं। ऐसा क्या होता है बेटा, तो आपको बता दूं बेटा कुछ नहीं, केवल वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब वहां स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेसिकली, वहां पे क्या हो रहा है, वहां कोई भी फ्लो नहीं हो रहा। जब आपने बालों में इस स्केल को रब किया तो स्केल से रब होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, स्केल और हेयर के बीच में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए स्केल से हेयर में चले गए, हेयर में चले गए तो क्या हुआ लॉस हो गया, लॉस होने के कारण इस स्केल में क्या है पॉजिटिव चार्ज। जब आप इस पेपर के पास इसको ले जाते हैं स्केल को तो बाई इंडक्शन इसमें क्या होता है चार्ज इंड्यूस हो जाता है पेपर्स में, स्मॉल स्मॉल पेपर में। तो जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं कि सपोज ये स्केल है भाई और इसको रब किया तो रब करने का ये कैसी बन गई पॉजिटिव चार्ज की पूरी रॉड बन गई और ये छोटे छोटे पेपर पड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम इसको स्केल को पास लेके आते हैं कागज के टुकड़ों के पास तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि डाइपोल बन जाता है, डाइपोल मतलब पॉजिटिव इस निगेटिव एक तरफ हो जाता है इसमें। तो मैं बात करता हूं ये स्केल है हमारी रॉड है स्केल और इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा बॉडी में, तो ये क्या बन गया डाइपोल बना। जैसे ये डाइपोल बना एक तरफ क्या हुआ नेगेटिव पॉलिटी आ रही है एक तरफ पॉजिटिव पॉलिटी आ रही है, दीज नेगेटिव जो पॉलिटी की जो चार्ज एंड होता है कागज का वो एकदम से जल्दी से क्या होता है अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज स्केल या रॉड की तरफ। तो जैसे ही चिपकता है चिपक जाने के बाद तो क्या होगा जैसे ये कागज चिपका तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये नेगेटिव वाला है तो ये क्या होता है कुछ देर बाद क्या होता है जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव था उस कागज के टुकड़े में वो क्या होता है खत्म हो जाता है और खत्म हो जाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज इस कागज में भी आता है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, तो इसलिए थोड़ी देर बाद क्या होता है कागज फिर नीचे गिर जाता है। आपने कभी नोटिस किया हुआ कि कागज क्या हुआ रब करा रब करने का अट्रैक्ट हुआ अट्रैक्ट करने का फिर कागज कुछ देर बाद गिर गया, तो यहां बेटा हुआ क्या कि यहां पे कोई भी फ्लो नहीं हुआ, जब बालों में रब किया तो ट्रांसफर हुआ बस फिर लेके आए जब हुआ यहां पे तो कंडक्शन की वजह से क्या हुआ केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ कोई भी फ्लो नहीं हुआ, कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं मोशन नहीं कर रहे हैं ठीक है फ्लो है। मतलब मैं व्हाइल यू आर वॉचिंग द टीवी जब टीवी देख रहे होते हो तो टीवी के पास जाना आप कभी अपना हैंड रखना तो आपके जो हेयर्स होते हैं हैंड के वो क्या होंगे अट्रैक्टेड हो जाएंगे टू द स्क्रीन ऑफ द टीवी,
तो ऐसा क्यों होता है कि वहां पे क्या होते हैं, जो स्क्रीन होती है स्क्रीन पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहे होते हैं, तो आपकी कंडक्शन इंडक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, और वो चार्ज क्या होता है इंड्यूस, जैसे मैंने बताया डाइपोल, और अट्रैक्ट हो जाता है। तो वहां पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज मेनली मींस ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट बताया ही आपको, तो एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें क्या चार्जेस का फ्लो हो रहा हो। सो मूविंग फॉरवर्ड इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग को केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट आफ्टर करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जरा देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने कहा कि ये चार्ज है यार बेटा, ये क्या रखा हुआ है, ये यहां पे क्या है, तो मैंने कहा कि एक चार्ज है कोई भी बॉडी का, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया, उस टेस्ट चार्ज को यहां पे लेके आ रहे हैं किसी दूसरी बॉडी के पास, तो मैंने कहा यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के पास एक और चार्ज ला रहे हैं कहीं दूर से, कहीं से इंफिनिटी से, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको नाम दे दिया, काम को। मैंने कहा कि एक चार्ज लिया, एक टेस्ट चार्ज, और कहीं इंफिनिटी से उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं कहां, यहां तक, तो वहां से यहां तक लाने में जितना काम किया, कितना काम किया, जितना काम किया वहां से यहां तक लाने में, कहां पे, इस पॉइंट तक लाने में हमने क्या किया, जितना वर्क किया चार्ज ने, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी कैन से लाइक दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से किसी एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं कहां पे, अपने टेस्ट के पास, अपने चार्ज के पास, तो जितना वर्क किया होगा वहां से यहां तक लाने में, उसको हम क्या कहते हैं, काम को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब कहोगे सर काम क्यों करना पड़ेगा, बताता हूं अभी आपको। अब पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं कर सकते, तो आप सोचना कि इसकी पॉजिटिव का भी क्या होगा, कुछ अपना इलाका होगा जहां तक ये किसी भी अपने अंदर एंट्री, जहां अगर यहां लेके, अब यहां नेगेटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं हो रहा, जैसे ही यहां लेके गए तो ये चिपक गया, तो ये इसका क्या हुआ, आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने कहा इसकी खुद का इलाका होगा, उसके इलाके में, तो हमने कहा कि वहां से चार्ज को पकड़ के लेके आ रहे, तो कुछ ना कुछ फोर्स, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा हमको, वो जितना वर्क किया उसी वर्क को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने क्या बोला। अच्छा सो इट्स, अगर मैं बात करूं कि इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई वी, किससे डिनोट करते हैं, वी से करते हैं, पोटेंशियल को वी से डिनोट किया जाता है। कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक और भी सिंपल चीज है, जब देखते हैं, सपोज मैंने कहा कि एक यहां एक चार्ज रखा है और यहां एक चार्ज रखा है नेगेटिव, तो ये इनका आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में दोनों अच्छे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, इनने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया आसपास, तो मैंने कहा कि एक चार्ज मैंने लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वहां क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी से ला रहे थे इस पॉइंट तक, मतलब हमने क्या किया, अगर इन्फिनिटी से यहां लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जा रहे हैं चार्ज को, ले जाने में जितना काम किया उस वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या बोला, तो वर्क डन बाय द चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क किया हुआ उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसका इसके फॉर्मूले की, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई वी पोटेंशियल डिफरेंस। किसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाई वी। इसको भी वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या डेफिनेशन आएगी, वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन बाई चार्ज, दैट सिंपल इज दैट। मतलब कितना वर्क किया, कितने चार्ज ने किया बाई कितने चार्ज ने, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, इसको और भी तरीके से अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने बोला एक चार्ज यहां रखा, ये एक क्यू चार्ज यहां रखा, ठीक है। हमने क्या कहा कि एक इन्फिनिटी से, हमने क्या किया, एक इन्फिनिटी से एक पॉइंट लेके आए और उस पॉइंट चार्ज को यहां लेके आए, तो यहां से यहां तक इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कोई वर्क किया, और वो वर्क किया तो उस वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। तो कितना पोटेंशियल, सपोज मैंने कह रहा कि वी ए, क्योंकि ये चार्ज कितना था, ये सपोज ये चार्ज ए है और ये बी है, ठीक है। हमने कहा कि एक इन्फिनिटी से इसी चार्ज को उठा के यहां लाए बी तक, तो यहां से लेके यहां तक लाने में कितना, यहां से लेके यहां तक लाने में भी क्या हुआ, वर्क किया, और उस वर्क को हमने बोला पोटेंशियल बी, तो वर्क को ही तो कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने इन्फिनिटी से ए पे लाए तो वी ए, इन्फिनिटी से बी पे लेके गए तो बी वी, पोटेंशियल वर्क हुआ। अगर मैं बात करूं कि उसी चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, तो यहां से यहां तक ले जाने वाला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेंचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ यहां से यहां तक ले जाने में, वी ए माइनस वी वी, दैट सिंपल इज दैट। मतलब अगर मैं कहूं कि ए से बी ले जाने में चार्ज को जितना काम करना पड़ रहा है वो कितना हुआ, जितना ए ले इन्फिनिटी से ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम दूसरी डिफाइन देखें तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इन अदर वे, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इवेंचुअल चार्जेस, उनके खुद के चार्जेस का क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात समझ में आई, मतलब कि इसका नाम नहीं समझ में आता ना कि डिफरेंस क्यों लगा रखा। अब डिफरेंस क्यों लगा रखा है, डिफरेंस इसलिए लगा रखा है कि ये निकल के कैसे आया कि दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया इसका भी, ए का भी बी का भी, और दोनों घटा दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो वही तो हमने डेफिनेशन में बोला है कि द वर्क डन बाय द चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो पॉइंट ए से बी तक जा रहा है वो कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, अगर बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है, जनरली देख लेते हैं, सो एसआई यूनिट इज वोल्ट, किसमें नापते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। अब ये वोल्ट आया कहां से, तो वोल्ट होता है कितना है, वन वोल्ट, तो वन वोल्ट यानी कि वर्क बाय द चार्ज, तो वर्क कितना किया, वन कूलम, वन जूल अपॉन वन कूलम, यानी कि वन वोल्ट कितना होता है कि जब कोई बॉडी
मैंने क्या किया, एक कूलाम के चार्ज ने एक जूल वर्क कर लिया तो उसको कहते हैं वन वोल्ट। वोल्ट को भी बेटा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, ठीक है, स्मॉल वी से। सो आई होप यू अवर, तो अब हम लोग आई होप यू अवर अंडरस्टूड, सो हैव अ लुक इन अदर नेक्स्ट क्लास वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओपन सर्किट्स एंड देयर सर्किट डायग्राम्स एंड रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो प्रेस, सो प्लीज लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन टू मोर वीडियोज़।